Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the development of secondary education in India. And in this video, I have sticked only to the pre-independence period. Okay, so let's start. हम लोग देखिए माध्यमिक शिक्षा पर बात कर चुके हैं, द्वितीयक शिक्षा पे हम लोग ने इसके वोकेशनलाइजेशन की बात कर ली, उसकी प्रॉब्लम्स की बात कर ली, बहुत सारी बातें होंगी थी, पर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रह गया था, या आप कह सकते हैं कि विकास कैसे हुआ द्वितीयक शिक्षा का भारतवर्ष में, ये हिस्सा रह गया था। तो उसमें से चूंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, इसलिए इसको दो वीडियो में बांट दिया है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व क्या दशा है, कैसे कैसे किन किन कमीशन कमेटीज ने क्या क्या बताया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का अलग वीडियो है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में पहली बात चलेगी, या पहला जो एक स्पैन चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फ्रॉम वुड्स डिस्पैच टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 और वुड्स डिस्पैच 1854। लगभग इन 50 सालों में क्या बात हो रही है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 हैड गिवन अ बूस्ट टू सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए इसने, वुड्स डिस्पैच ने कहा, बूस्टअप किया, बढ़ावा दिया। The establishment of universities in Calcutta, Bombay and Madras was an epoch-making phenomena in the history of secondary education. देखिए उस वक्त जो universities थी वो secondary education matriculation का भी काम देख रही थी, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की universities बनी, विश्वविद्यालय बने, उनसे भी secondary education में एक युग आया है ना। फिर वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेड ग्रांड सीनेट, देखिए ये सवाल एक बार मुझसे पूछा गया था कि ग्रांड सीनेट की बात सबसे पहले वुड्स डिस्पैच कर रहा है 1854 में, आपको पता होना चाहिए। तो वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेड ग्रांड सीनेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो वुड्स डिस्पैच ने सुझाया कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, तो आप ग्रांट्स दीजिए, सहायता में अनुदान दीजिए विद्यालयों को। Although efforts were made to improve secondary education, a few defects were visible in the process of implementation. यानी हालांकि कुछ प्रयास किए गए कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सुधारा जा सके, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां थी। मदर टंग वॉज कम्प्लीटली साइड ट्रैक, देखिए आपको पता है कि चूंकि ब्रिटिशर्स इस वक्त आपके देश की शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, तो वो इंग्लिश को वो कर रहे थे ना, प्रोत्साहित कर रहे थे, और मदर टंग को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, हटा दिया था, मदर टंग की कोई मातृभाषा की बात ही नहीं थी। ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, उस वक्त शिक्षक शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही थी। द कोर्स कंटेंट वॉज नॉन एकेडमिक एंड देर वॉज नो स्कोप फॉर वोकेशनल कोर्सेज, और जो कोर्स कंटेंट था वो नॉन एकेडमिक था, उसका बहुत कुछ मतलब एकेडमिक नहीं था, और उसका वोकेशनल कोर्सेज के ये भी कोई स्कोप नहीं था, मतलब बढ़िया कोर्स कंटेंट नहीं था। द सिस्टम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन स्टार्टेड डोमिनेटिंग द सिस्टम, और जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम था, मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक कहा जाता था शॉर्ट में उसको, वो एकदम उसने पूरी प्रणाली को डोमिनेट कर रखा था। व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेंशनड यूनिवर्सिटीज, यानी कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनने जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन चलाया था, वो पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर रहा था। फिर आगे क्या होता है, फ्रॉम द इंडियन, अच्छा वो फर्स्ट नंबर था, वहां वन नहीं पड़ा हुआ है, फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन टू द मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि 1902 से लेके मॉनफोर्ड रिफॉर्म यूनिवर्सिटी कमीशन तक कैसे चला सेकेंडरी एजुकेशन का हाल। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेरियस रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कमीशन ने कहा था तो सेकेंडरी एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटीज को दे दिया गया। द स्कूल्स वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त जो सेकेंडरी स्कूल थे यूनिवर्सिटीज से गवर्न या रिकॉग्नाइज होते थे। बट ग्रेजुअली द अननेसेसरी डोमिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपॉन द स्कूल वाज फेल्ट एंड इन अ फ्यू स्टेट्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज सेट अप टू कंट्रोल द सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि शुरुआत में भाई इन्होंने कहा गया ठीक है यूनिवर्सिटी देखेगी सेकेंडरी एजुकेशन का हिसाब किताब, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में अननेसेसरी डोमिनेशन, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन देखे कि सेकेंडरी एजुकेशन देखे, तो धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने अपने बोर्ड्स बना लिए सेकेंडरी एजुकेशन के। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं सुधार हुआ सेकेंडरी एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर क्या हुआ, कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1917 में, सैडलर कमीशन के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि माइकल सैडलर की चेयरमैनशिप में बना था। इसने कुछ सजेशन दिए, क्या दिए, गवर्नमेंट शुड क्रिएट नॉवल इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द इंटरमीडिएट कॉलेजेस, देखिए यहाँ पर ये नाम दिया जा रहा है इंटरमीडिएट कॉलेज का, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ बढ़िया इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडिएट कॉलेजेस के नाम से बनाने चाहिए जो कि आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग और सो ऑन में शिक्षा दें। A board of secondary and intermediate examinations consisting of the representatives of government universities, high schools and intermediate colleges are established with the administration and control of secondary education. उन्होंने कहा secondary और intermediate examination का एक board बना लीजिए और आप इसमें secondary education की पढ़ाई लिखाई देखिए। फिर from Montfort reform 1921 to independence 1947,
यानी कि मॉनफोर्ड रिफॉर्म 1921 से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक सेकेंडरी एजुकेशन का क्या हाल रहा, तो आपको पता होगा कि हर्टॉग कमेटी आई 1929 में, जो कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात करती है। देखिए लिखा भी है वेस्टेज, वुड्स डिस्पैच से ग्रांड सीनेट क्या नाम जुड़ता है। हर्टॉग कमेटी पहली बार वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात करती है। तो हर्टॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि हर्टॉग साहब इसके चेयरमैन थे और इसको बनाया गया था एजुकेशन और डेवलपमेंट को रिव्यू करने के लिए, और इसने कहा कि टू इलिमिनेट इनका वेस्टेज और स्टैग्नेशन को अगर हटाना है तो ये करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? द मिडिल वर्निकुलर स्कूल शुड बी प्रिजर्व टू प्रोवाइड मोर एडमिशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। आपको जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके लिए वर्निकुलर स्कूल बना लीजिए, मिडिल स्कूल जो कहते हैं ना, ये सब पुराना टर्मिनोलॉजी है जो आप अपने अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे तो वो मिडिल स्कूल मैट्रिक एग्जाम इस तरीके की बातें करेंगे। और हर्टॉग कमेटी ने वेस्टेज और स्टैग्नेशन यानी कि अपव्यय और अवरोधन रोकने के लिए कहा कि डाइवर्सिफाइड करिकुलम बनाना चाहिए, यानी कि 1929 से बात हो रही है, 2029 आने वाला है, अभी तक हम बढ़िया डाइवर्सिफाइड करिकुलम नहीं बना पाए। इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीचर्स फॉर बेटर सर्विस कंडीशंस। देखिए पुराने जो कमीशन थे वो कह रहे थे कि टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो इन्होंने कहा कि इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग चलाइए ताकि टीचर्स की दशा सुधर सके। सप्रू कमेटी आती है 1934 में, ये यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी सप्रू कमेटी, कॉजेज ऑफ टू इंक्वायर अबाउट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूपी, उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी बेरोजगारी है इसको जानने के लिए बनाई गई, और इसने अपने रिकमेंडेशन दी जैसे डाइवर्स करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस। वो कह रहे हैं ना कि चूंकि सेकेंडरी स्टेज के बाद आप हायर में जा ही नहीं रहे हैं तो विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम बनाया जाए, सेकेंडरी स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया जाए। द इंटरमीडिएट स्टेज शुड बी अबॉलिश एंड द सेकेंडरी स्टेज बी एक्सटेंडेड बाय वन ईयर टू कंसिस्ट ऑफ सिक्स ईयर्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू, द हायर एंड द लोअर ईच कवरिंग ऑफ थ्री ईयर्स। इन्होंने कहा कि एक स्टेज बढ़ा दीजिए सेकेंडरी स्टेज में, पूरा उसका नॉमिनेचर दिया है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन की भी बात की गई कि लोअर सेकेंडरी स्टेज से आप शुरू कर दीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन। देखिए लोअर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, 9th-10th को लोअर सेकेंडरी कहते थे और 11th-12th को हायर सेकेंडरी कहते थे। फिर द डिग्री कोर्स एट यूनिवर्सिटी शुड एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years। देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो 2 साल का ग्रेजुएशन होता था पहले, उन्होंने कहा कि उसको बढ़ा के 3 साल कर दीजिए, मतलब रिकमेंडेशन है ये। और एबॉट वुड रिपोर्ट आती है 1937 में। इन 1936 ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वर इनवाइटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सर्टेन इश्यूज। आपके भारत सरकार ने इंग्लैंड से, भारत सरकार तो चूंकि 1937 से ब्रिटिश सरकार ही थी, उसने इंग्लैंड से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुलवाया, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बुलवाया, उनसे कहा कि आप हमें सुझाव दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपर्टीज, उन्होंने जो अपनी एक्सपर्टीज से सुझाव दिया उस पर बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स, कमर्शियल, टेक्निकल और एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स खोले गए। फिर आती है सार्जेंट रिपोर्ट 1994 में। इसने कहा द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सबमिटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन सार्जेंट, इसीलिए इसका नाम सार्जेंट है। रिपोर्ट है द मेन रिकमेंडेशंस वर होना चाहिए था। क्या क्या मेन रिकमेंडेशंस थी? हाई स्कूल कोर्स मस्ट स्ट्रेच ऑफ 6 years एंड द नॉर्मल एज ऑफ एडमिशन शुड बी अबव 11, यानी 11 साल से ऊपर के बच्चे को हाई स्कूल में एडमिशन देंगे। और अब 6 वही हाई स्कूल 6 कर दिया ना इन्होंने, इसको जोड़ लिया है पूरा आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सब मिला के। एडमिशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, ये कहा गया मेरिट के आधार पर एडमिशन दीजिए। टू हैव ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन द सिलेबस मस्ट बी चैलेंजिंग एज वेल एज प्रमोशन शुड बी गिवन बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस। बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, उसकी मेरिट क्या है, उसके आधार पर आप एडमिशन दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए। मेथड्स ऑफ एजुकेशन शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड एंड प्रैक्टिस। हाई स्कूल शुड बी ऑफ मेन टाइप्स एकेडमिक एंड टेक्निकल। देखिए उस वक्त ये बात की जा रही है कि दो तरीके का हाई स्कूल चलाइए, एकेडमिक और टेक्निकल। Curriculum should be based on the needs and aspirations of society. As a result of these recommendations, there was phenomenal expansion of secondary education. The number rose from 4,888 in 1917 to 12,697 in 1947. स्कूल्स वर इंट्रोड्यूस, द नंबर ऑफ ट्रेन टीचर्स इंक्रीज रिजल्टिंग इन एन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। और चूंकि ट्रेन टीचर्स बढ़ गए, क्यों? क्योंकि इन सर्विस प्री सर्विस उनको ट्रेनिंग दी गई तो स्टैंडर्ड भी बढ़िया हो गया थोड़ा। डिस्पाइट द अबव मेंशन डेवलपमेंट द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज नॉट सेटिस्फाइंग इनफ। बहुत सारी रिकमेंडेशन आई, बहुत सारी कमिटीज ने बहुत कुछ कहा, उसके बावजूद द्वितीय स्तर का पर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सही नहीं थी। द सिस्टम हैड फेल्ड टू मीट द वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो, यानी कि जो आपका राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदल रहा था उस हिसाब से वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन फुलफिल नहीं कर पा रही थी। उसको कोर्सेज वर बुकिश एंड थियोरेटिकल जो कोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा किताबी थे और थियोरेटिकल भी थे। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती थी और बच्चे साइकोलॉजिकल बर्डन फील करते थे बिकॉज उनको उनके लिए विदेशी भाषा थी, उनको उनका ज्ञान नहीं था। द सिस्टम वॉज रिजिड एंड नॉन रियलिस्टिक, बिल्कुल भी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं थी
एजुकेशन सिस्टम है, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड कंप्लीट ओवरहॉलिंग एक्टिविटी ऑफ द करिकुलम एंड सो ऑन. इसलिए ये सोचा गया कि हमको पूरा ओवरहॉलिंग सेकेंडरी एजुकेशन की करनी है. तो ये स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व थी सेकेंडरी एजुकेशन की. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सेकेंडरी एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट या एक्सपेंशन हुआ है. तो फ्रॉम वुड्स रिपोर्ट टू इंडिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन 1947 तक, यानी 1854 से 1957 तक का हाल है इसमें. ओके, तो आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि यूनिवर्सिटीज देखती थी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.